मतलब दोस्तों अभी हम लोग जो है बोतलवाड़ी का जो रोड है उसमें घुस चुके हैं ऑलरेडी। इधर का रोड थोड़ा सा ख़राब है बट शॉर्टकट होता है, इसलिए ये वाला रोड हम लोग पकड़े ग्रुप में हैं, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और अगर आपको पता नहीं कि मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे, तो वो जानने के लिए आपको मेरा पिछला वाला व्लॉग देखना पड़ेगा जिसका लिंक ऊपर के आई बटन पर आ रहा होगा। तो सर देख के केयरफुली चलाना है गाड़ी को। अगर आपको मेरा ये कोलकाता से दार्जिलिंग वाला सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 ऐसे ही एडवेंचरस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा जो ये वीडियो है ये आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। अच्छा इन लोगों के पास इस टाइम बता नहीं पाया, एक के पास पल्सर है, दूसरे के पास अपाची है, और तीसरा वाला आई थिंक गिक्सर है। ये बोतलवाड़ी का रोड, और अभी हो रहा है रात के 8 बजे, आई मीन शाम के 8 बजे। अरे इसे तो एडवेंचर कहते हैं ना, यही तो एडवेंचर है और क्या है। अंधेरी रातों में एंजॉय करो, कोई बात नहीं। वो जो चांद है चंदा मामा। तो अभी 9:30 बज रहा है और अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, नाइट ड्राइव। तो अभी नाइट ड्राइव के लिए हम लोग का सीरीज जो है कुछ ऐसा है कि मैं सेकंड पे हूँ, मेरे सामने एक बंदा है और पीछे जोयदा और एक बंदा है। तो दोस्तों अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि जो एक्सपीरियंस राइडर लोग हैं वो क्यों इस रोड को रात के टाइम अवॉइड करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर आप 4, 4:30 बजे, कम से कम 7 बजे, ठीक है 7 बजे के अंदर अगर इस रोड को निकल जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज अकेला कभी रात के टाइम इसको ना ही क्रॉस करो तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मेरा ओपिनियन मांगोगे तो रात के टाइम सोलो ट्रैवलर के लिए ये रोड सेफ नहीं है मेरे को जो लगता है। क्योंकि आई थिंक डालखोला वाला हाईवे इज़ मच सेफर देन दिस रूट। हम जो है सेडलिंग कर रहे हैं डिस्कवर पे, सेडलिंग 100 cc में। भाई मेरा सीता जो है बहुत देर से मेहनत कर रहा है, इसको भी रेस चाहिए। 80 किलोमीटर है कंटिन्यू।
नेशनल हाईवे आने में अभी NH 27 आने में अभी 2.3 किलोमीटर बाकी है, तो हम लोग नेशनल हाईवे पे ही जाएंगे सीधा। तो दोस्तों अभी बोतलबाड़ी ख़त्म होने में 100-200 मीटर का एक छोटा सा पैच है, बट आई डोंट नो वाई यहाँ का जो रोड है वो पिछले वाला रोड पीच होके यहाँ पे ये इतना ख़राब गड्ढा वाला रोड क्यों है। ये कम से कम 2-3 फुट का गड्ढा यहाँ पे है और कच्चा मिट्टी का गड्ढा है, क्योंकि तो इसी को हम लोग अभी बाइक से ऑफ रोड करके निकालेंगे और वहाँ पर आपको हाईवे दिख रहा होगा। तो दोस्तों अभी चीता का जो है एक रेस्ट बनता है, क्योंकि इसने बिना रुके हुए ये जो बोतलबाड़ी का पूरा स्ट्रेस था इसने कंप्लीट किया भाई, इसका एक रेस्ट बनता है भाई। कांचा माटी देखा था ना स्टैंड है भालो भालो दारा इधर कांचा बोलिए एक ता दारा না বসে আছে এখানে মাটি থাকছে না, নরম মাটি অন্যদিকে দিতে হবে, এখানে শক্ত আছে মনে ঠিক আছে। तो हम लोग अभी सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं, सिलीगुड़ी और 81 किलोमीटर बाकी और अभी बज रहा है रात के 10:15। हम लोग अभी इस्लामपुर बाईपास वे के ऊपर हैं। और जो है बाकी है 80 किलोमीटर। दोस्तों अभी रात के बज रहा है 10:11 बज रहा है, ठीक है 10:57। बस मेरा जो लुकिंग ग्लास है उसको देखो आप लोग, पूरा एकदम फॉग से भर गया है, एकदम ठंडी से पूरा दोनों से कुछ नहीं दिख रहा है, बट इसको जो है साफ करना है। नहीं साफ भी ग्लास से नहीं हो रहा है, पूरा एकदम बहुत ठंडी है बहुत भाई साहब, फुल एडवेंचर भाई। मेरा राइड जो विंटर का जो राइड था उसका जो मजा था जिसके लिए सिलीगुड़ी घुसने में पैंट गीला हो गया भाई, सच में बहुत मजा आ रहा है। बाहर में जो है बहुत ठंडी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, लुकिंग ग्लास पूरा एकदम भर गया फॉग से। तो दोस्तों अभी अपडेट कुछ ऐसा है कि जब मैं घर में आके इसको एडिट करने बैठा तो इसके बाद का जो फाइल्स था वो क्यों पता नहीं क्यों कोरप्ट कर गया था, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ बाकी का स्टोरी। तो फिर हम लोगों को मतलब बागडोगरा पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था और उसके बाद 2-4 घंटे के लिए हम लोग सोचा कि होटल नहीं लेना है, तो हम लोग रोड के साइड एक ढाबा में रह गए थे और उधर ही अपना जो बाकी टाइम था वो स्पेंड कर लिया। और उसके बाद जो बाकी ग्रुप था वो लोग सिक्किम के लिए निकल गए 4 बजे और मैं 5 बजे निकल गया दार्जिलिंग की तरफ। ऊपर से जो है बाहर पर भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैं अपना बाइक से स्लीपिंग बैग अपना उतारा और उसके अंदर घुस के कुछ देर बॉडी को गर्म भी कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया। और जिस भाई के दुकान में था हम लोग स्टे किया उनके साथ भी एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया, वो सामने आपको दिखेगा। दोस्तों अभी जो टाइम है 5:01 बज रहा है और मैं जिसके दुकान पे कल रात को नाइट स्टे किया, मैं और मेरा पूरा ग्रुप जिन लोगों के साथ मैं आप पहले का जो वीडियो है उसमें भी देखे हैं उन लोगों के साथ इस भैया के दुकान में हम रुके थे। ये भैया बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छा भैया है और हम लोग को जो है पूरा रात जितना हो सके हम लोगों को कम्फर्ट दिया, हेल्प किया। और ये इनका दुकान है बेसिकली, हम लोग रात को यहाँ पे ढाबा भी है, हम लोग खाना खाया फिर उधर सोया थोड़ा सा कुछ देर तक। और ये इनका टी का शॉप है, हर अलग अलग टाइप का टी मिलता है इनके पास। नाम क्या है? प्रमोद घोष। प्रमोद घोष। और
ये बहुत ही अच्छा है, मतलब हेल्प इतना रात को, हम लोग कल शायद 1 बजे को घुसे थे, बट यह याद रखना हमेशा, मैं जैसा पहले ही बोल चुका हूँ, पहाड़ के लोग अच्छे होते हैं। बस यही जो यहाँ पे मतलब कि दार्जिलिंग टी कोई भी अगर वेराइटी का लेना चाहे तो बहुत सारा ब्रांड है। मेरा दुकान पड़ता है सिलीगुड़ी घोसपुकुर मैलानी ज्योत, एड्रेस है यहाँ पे सामने ही, मेरा पास में टोल प्लेजा है। कोई भी अगर मतलब कि बाहर से अगर टूरिस्ट आता है तो मतलब उनका हम लोग अच्छा स्वागत करते हैं। होटल है और टी स्टोर है, दोनों एक साथ है, बस कोई भी आके अगर रुकना चाहे तो यहाँ पे रुक सकता है, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों मेरा दार्जिलिंग ट्रिप का फर्स्ट डे का स्टोरी जो था वो कुछ ऐसा ही था, और सेकेंड डे का जो ट्रिप था उसके बाद में चालू किया था, बट एडिट में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो मैं फिर भी मैं जितना हो सके जल्दी एडिट करके आप लोगों के पास सामने वाला स्टोरी भी लाऊंगा, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल।